प्यारे विद्यार्थियों, एंजॉय कॉमर्स चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट जर्नल एंट्रीज। रोजनामचा पृष्ठियों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। रोजनामचा पृष्ठियों पर, जर्नल एंट्रीज पर पहले भी हमारा एक वीडियो आया है और मैं आशा और उम्मीद रखता हूँ कि आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा तो उस वीडियो को आप पहले देख लीजिए ताकि ये वीडियो आपको आसानी से समझ में आ सके। लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक। जर्नल एंट्रीज के सेकंड पार्ट में आज हम सेकंड इलुस्ट्रेशन करेंगे। ऑन 1 अप्रैल 2017 द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ दिनेश चंद्रा। इसमें हम देख रहे हैं कि कुछ एसेट्स दी गई हैं और कुछ लाइबिलिटीज दी गई हैं। जो लाइबिलिटीज के बैलेंसेज यहाँ पर दिए गए हैं उनमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कैपिटल नहीं दी गई। तो ये जो बैलेंसेज हैं, इन सभी बैलेंसेज की सहायता से हम दिनेश चंद्रा के बिजनेस की ओपनिंग एंट्री, इनके प्रारंभिक प्रविष्टि करेंगे। तो इसमें सभी एसेट्स को हम डेबिट करेंगे कि डेबिट ऑल एसेट्स एंड क्रेडिट ऑल लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज को हम क्रेडिट करेंगे और फिर इन दोनों में जो डिफरेंस है वो हम एक बैलेंसिंग फिगर के रूप में कैपिटल के सामने लिखेंगे, कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे। तो देखिए, कैश अकाउंट का बैलेंस यहाँ पर दिया गया था 2000 रुपये, उसको हमने डेबिट कर दिया है। बैंक अकाउंट का बैलेंस यहाँ पर है 12000 रुपये, उसको डेबिट किया है। ठीक इसी प्रकार से राम एक डेटर है, उसको डेबिट किया गया है 15000 रुपये से। मोहन भी एक डेटर है तो उसको भी डेबिट किया गया है 5000 रुपये से। स्टॉक अकाउंट को डेबिट किया गया है 17000 रुपये से। इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट को डेबिट किया गया है 24000 रुपये से। मशीनरी अकाउंट को डेबिट किया गया है 60000 रुपये से। और बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट किया गया है 40000 रुपये से। तो सभी एसेट्स को हमने डेबिट कर लिया है, ये नियम रहता है प्रारंभिक प्रविष्टि में। ठीक इसी प्रकार से जितने भी लाइबिलिटीज हैं जो क्वेश्चन में दी हों उनको हम क्रेडिट करते हैं। तो हरी एक क्रेडिटर है और उसको 18000 रुपये से हमने यहाँ पर क्रेडिट किया है। ठीक इसी प्रकार से श्याम को 7000 रुपये से क्रेडिट किया गया है और एक लोन अकाउंट यहाँ पर दिया गया है तो 25000 रुपये से लोन अकाउंट को क्रेडिट किया है। तो जैसा मैंने बताया, तो इस क्वेश्चन में कैपिटल का बैलेंस यहाँ पर नहीं दिया गया है, इसलिए हमने क्या किया कि सभी एसेट्स का टोटल कर दिया और उस टोटल में से हमने लाइबिलिटीज के टोटल को घटा दिया है। तो हमारे पास कैपिटल का जो बैलेंस आया है 125000 रुपये एक बैलेंसिंग फिगर के रूप में यहाँ पर आया है और वो हमने यहाँ पर लिखा। और नरेशन में हम लिख देंगे फॉर बैलेंसेज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कैरीड फॉरवर्ड इन न्यू बुक्स। तो ये थी हमारी ओपनिंग एंट्री। और अब हम आगे देखते हैं, अप्रैल 2 को परचेज्ड गुड्स फ्रॉम हरी वर्थ ₹15,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो 10% ट्रेड डिस्काउंट पर 15000 रुपये मूल्य का माल खरीदा गया है। तो जैसे पहले स्पेशल जर्नल एंट्रीज में हमने आपको बताया कि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं की जाती है, बल्कि जो अमाउंट बनता है टोटल उसमें से ट्रेड डिस्काउंट घटा दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर किया गया है, 15000 रुपये में से 10% ट्रेड डिस्काउंट घटाकर जो राशि हमारी आती है वो 13500 आती है। 15000 का 10% 1500 रुपये हमने इसमें से घटा दिया है। तो 13500 से ये एंट्री की गई है। तो परचेजेज अकाउंट डेबिट 13500 रुपये और टू हरी 13500 रुपये फॉर गुड्स परचेज्ड फ्रॉम हरी एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो नरेशन में ट्रेड डिस्काउंट का जिक्र करना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर नरेशन में हम नहीं लिखेंगे तो ट्रेड डिस्काउंट के बारे में एंट्री से कुछ भी जानकारी हमें नहीं मिल पाएगी। और अप्रैल 5 को जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो हम देखते हैं कि सोल्ड गुड्स टू महेश वर्थ ₹25,000 एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20% एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 10% 75% अमाउंट वाज रिसीव्ड इमीडिएटली। तो इसमें हम देखते हैं कि 25000 रुपये का माल यहाँ पर बेचा गया है, तो इसमें ट्रेड डिस्काउंट भी है और कैश डिस्काउंट भी है। तो सबसे पहले तो हम ट्रेड डिस्काउंट की कैलकुलेशन करते होते हैं। तो 25000 के ऊपर 20% की दर से आप देखते हैं ये अमाउंट जो बनता है हमारा, 25000 का 20% 5000 रुपये, तो जो एंट्री होगी वो 20000 रुपये से एंट्री होगी। तो इस एंट्री में आप देख रहे हैं टू सेल्स अकाउंट जो लिखा गया है, सेल्स को हम क्रेडिट करते हैं कि ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो सेल्स को क्रेडिट किया गया है 20000 रुपये से क्रेडिट किया गया है। तो 20000 का 75% अमाउंट वो इमीडिएटली रिसीव हो गया है। तो 75% का मतलब है कि 20000 का 75% जो 15000 रुपये बनता है, तो 15000 रुपये नकद में यहाँ पर मिलने की बात कही गई है, लेकिन
लेकिन ये जो नकद मिलेंगे 15,000 रुपए, ये 10% डिस्काउंट काट कर मिलेंगे। तो 15,000 का 10% 1500 रुपए यहाँ पर बनता है, तो 15,000 में से 1500 रुपए हम डिस्काउंट के रूप में अलाउड यहाँ पर कर रहे हैं, इसलिए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट यहाँ पर किया गया 1500 रुपए। और जो कैश हमें रिसीव होगा वो 15,000 में से 1500 हम कम कर देंगे तो 13,500 रुपए 13,500 का कैश हमें यहाँ पर मिलेगा। तो 15,000 रुपए की जो ट्रांजेक्शन हमने यहाँ पर डेबिट की है कि कैश अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, और बाकी जो रिमेनिंग जो 5,000 रुपए है, 5,000 रुपए की वस्तुएं यहाँ पर उधार में भेजी गई हैं, इसलिए महेश को यहाँ पर डेबिट कर दिया गया है 5,000 रुपए से। और नरेशन में हम लिखेंगे, देखिए नरेशन यहाँ इस तरह के केसेस में बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। फॉर गुड्स सोल्ड टू महेश एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, ये 20% ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पर लिखना जरूरी है, एंड 10% कैश डिस्काउंट एंड 75% अमाउंट रिसीव्ड इमीडिएटली। 75% अमाउंट है वो इमीडिएटली 10% कैश डिस्काउंट के ऊपर वो प्राप्त हो गया है, ये नरेशन में हमने लिखा है। तो नरेशन जब भी हम लिखें तो कंप्लीट नरेशन लिखें ताकि एंट्री के बारे में पूरी जानकारी उससे हमें मिल सके। नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन हम देख रहे हैं 7 अप्रैल को, अमाउंट डिपोजिटेड इनटू बैंक ₹8,000, तो बैंक में 8,000 रुपए जमा करवाया गया है, तो बैंक अकाउंट को डेबिट किया गया है क्योंकि डेबिट द रिसीवर, क्योंकि बैंक एक जो है पर्सनल अकाउंट है और उसको हमने डेबिट कर दिया है, तो ₹8,000 से उसको डेबिट कर दिया गया है। और टू कैश अकाउंट, कैश हमारे पास से गया है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ₹8,000 फॉर अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। फिर आगे हम देखते हैं अपॉन अप्रैल 9 सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर ₹10,000, मोहन को माल बेचा गया है 10,000 रुपए का, तो सिंपल है, मोहन इज द रिसीवर, मोहन को हमने डेबिट करना है 10,000 रुपए से, और टू सेल्स अकाउंट ₹10,000 10,000 रुपए फॉर गुड्स सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट, इनके उधार पर मोहन को माल बेचा गया है उसके लिए ये एंट्री हुई है। और ठीक इसी प्रकार से ऑन अप्रैल 10 चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम ₹5,000 एंड इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो 5,000 रुपए का चेक राम से मिला है और उसको उसी वक्त बैंक में जमा करवा दिया गया है, तो इसमें बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे ₹5,000 से और टू राम करेंगे, क्योंकि जो चेक मिला है वो चेक हमने अपने पास नहीं रखा है, तो ठीक इसी प्रकार से एंट्री होगी जैसे कि राम ने खुद बैंक में जाकर के ये 5,000 रुपए हमारे खाते में जमा करवा दिए हैं। और नीचे हम नरेशन में लिखेंगे जिससे पता लगेगा कि ये एंट्री क्यों की गई, फॉर चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो इस प्रकार से ये एंट्री होती है, चेक हमें मिला और उसी वक्त उसको हमने बैंक में जमा करवा दिया, जो पार्टी जिसे चेक मिला है उसी का खाता यहाँ पर क्रेडिट किया जाता है। ऑन अप्रैल 13 पेमेंट मेड टू हरी बाय चेक ₹20,000, तो 20,000 रुपए की पेमेंट हरी को की गई है चेक के माध्यम से, तो हरी डेबिट ₹20,000 टू बैंक अकाउंट ₹20,000, हरी को हमने डेबिट कर दिया क्योंकि वो रिसीवर है, और टू बैंक अकाउंट क्योंकि बैंक जो है यहाँ पर देने वाला है, गिवर है, इसलिए उसको हमने क्रेडिट कर दिया है। फॉर पेमेंट मेड टू हरी बाय चेक ऑन अप्रैल 15 चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोहन ऑफ ₹14,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, तो मोहन से हमने 15,000 रुपए लेने थे और मोहन ने क्या किया कि 14,500 रुपए का चेक हमें दे दिया है और यह चेक अपने खाते की फुल सेटलमेंट में दिया गया है, यानी कि जो रिमेनिंग 500 है वो डिस्काउंट हमने यहाँ पर शो करना पड़ेगा। तो इसकी एंट्री जो होगी कि कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड किया है हमने, इसको डेबिट करना है, एक खर्चे के रूप में इसको हम डेबिट करते हैं कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और टू मोहन, मोहन से हमें ये 15,000 रुपए की एवज में हमें कैश मिला है, इसलिए टू मोहन हमने यहाँ पर 15,000 रुपए करना है, इनके रिमेनिंग जो 500 रुपए हमने उसको डिस्काउंट दे दिया है, तो इसलिए उसका खाता यहाँ पर बराबर कर दिया गया है। फॉर चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोहन एंड डिस्काउंट गिवन, तो प्यारे विद्यार्थियों ये आप यहाँ पर देख रहे हैं कि चेक मोहन से हमें मिला है, तो चेक को हमने बैंक में जमा नहीं करवाया, बैंक में जमा करवाने के बारे में इस ट्रांजैक्शन में कुछ नहीं बताया गया है, इसलिए हमने इसको कैश अकाउंट में डेबिट कर दिया है। कैश अकाउंट को डेबिट करने की जगह हम चेक्स इन हैंड अकाउंट को भी डेबिट कर सकते थे, तो ये ऑप्शन यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए रहती है, या तो वो कैश अकाउंट डेबिट करें या फिर चेक्स इन हैंड को यहाँ पर डेबिट करें। नेक्स्ट
ऑन अप्रैल 17 चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोहन डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो मोहन से जो 15 अप्रैल को चेक मिला था उस चेक को 17 अप्रैल को बैंक में जमा करवा दिया गया है। तो जब ये चेक हमने रिसीव किया था तो तब हमने कैश अकाउंट को डेबिट किया था। अब इस चेक को हम बैंक में जमा करवाएंगे तो कैश अकाउंट को ही यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, ये हमने विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो मोहन से जो चेक मिला था वो 14,500 रुपए का चेक था। हमने 15 अप्रैल की ट्रांजैक्शन में जाकर के ये अमाउंट देखना है कि 14,500 रुपए का चेक वो मिला था, तो उसमें हमने कैश अकाउंट को डेबिट किया था 14,500 से। अब वो चेक हमने बैंक में जमा करवा दिया है तो ट्रू कैश अकाउंट 14,500 हम यहाँ पर लिखेंगे और बैंक इज द रिसीवर, तो बैंक को हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट 14,500 रुपए फॉर चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोहन डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये हम नरेशन में लिखेंगे। और नेक्स्ट हम देखते हैं ऑन अप्रैल 19 ₹11,000 पेड टू हरी इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो हरी को हम जो है डेबिट करेंगे क्योंकि हरी को पेमेंट हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो हरी डेबिट, हरी इज द रिसीवर, हरी को हमने डेबिट किया है 11,500 से। और टू कैश अकाउंट 11,000 और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट ₹500। तो ऐसी स्थिति में जो ट्रांजेक्शन आपने यहाँ पर देखी अप्रैल 19 को, तो 11,000 रुपए पे किए हैं हरी को और उसके खाते का यहाँ पर पूर्ण रूप से निपटारा हमने कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में हमने हरी का खाता देखना होता है कि कितने रुपए हमने उसको देने हैं। तो हरी के खाते में हमने जाकर देखा कि 11,500 रुपए देने हैं, तो हमने यहाँ पर पेमेंट की है 11,000 रुपए की, तो 500 रुपए डिस्काउंट यहाँ पर रिसीव हो गया। और यही बात हमने नरेशन में लिखी है फॉर अमाउंट पेड टू हरी एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। नेक्स्ट ऑन अप्रैल 20 कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम डिसऑनर्ड, तो राम से जो चेक मिला था वो डिसऑनर हो गया है। तो जब चेक डिसऑनर होता है कि राम नाम का एक डेटर हमारा है, तो राम ने जो चेक दिया था और उसको हमने इमीडिएटली बैंक में जमा करवा दिया था, तो हमने जो एंट्री की थी वो बैंक अकाउंट डेबिट टू राम की 5,000 रुपए से। अब वो चेक डिसऑनर हो गया तो उसी एंट्री को हम रिवर्स कर देंगे, राम को हम डेबिट कर देंगे 5,000 रुपए से और टू बैंक अकाउंट कर देंगे 5,000 रुपए से। तो राम को दोबारा से हमने डेटर्स की लिस्ट में डाल दिया है और बैंक खाते को 5,000 रुपए से कम कर दिया है। और नरेशन हम लिखेंगे फॉर चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम डिसऑनर्ड। नेक्स्ट जो हम एंट्री देख रहे हैं ऑन अप्रैल 23 ओल्ड मशीनरी सोल्ड फॉर ₹500, एक पुरानी मशीन है उसको 500 रुपए में बेच दिया है। तो ऐसी स्थिति में सिंपल एंट्री आपकी होगी कि डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश हमारे पास आया है तो कैश अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया 500 रुपए से और टू मशीनरी अकाउंट कर दिया है 500 रुपए से। फॉर ओल्ड मशीनरी सोल्ड, तो पुरानी एक मशीनरी थी उसको बेच दिया है, यही हमने नरेशन में लिखा है। फिर हम आगे देखते हैं ऑन अप्रैल 24 राम बिकेम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 60 पैसे इन ए रुपी रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। तो राम दिवालिया घोषित कर दिया गया है और एक रुपए में से 60 पैसे उसकी संपत्तियों से हमें मिले हैं, तो इसके बारे में हमने यहां पर एंट्री करनी है। हमने ओपनिंग एंट्री में देखा कि राम हमारा डेटर है, राम से हमने 15,000 रुपए लेने थे, बाद में 20 अप्रैल को बाद में राम ने एक चेक हमें दिया था 5,000 रुपए का जो 20 अप्रैल को डिसऑनर हो गया। तो राम जो डेटर हमारा है वो 15,000 रुपए से डेटर है और अब वो दिवालिया हो गया है, तो 60 पैसे उसकी संपत्तियों से एक रुपए में से हमें मिलेंगे, तो 15,000 रुपए में से हमें 9,000 रुपए मिलेंगे। 15,000 का 60% हम करते हैं तो 9,000 रुपए बनते हैं। तो यहाँ पर जो एंट्री होगी उसमें कैश अकाउंट को डेबिट किया जाएगा 9,000 रुपए से। और आप देखते हैं जो 6,000 रुपए रिमेनिंग अमाउंट है वो बैड डेट्स के रूप में हम यहाँ पर एंट्री करेंगे, एक खर्चे के रूप में, एक लॉस हो गया बिजनेस को ये, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 6,000 रुपए और टू लिखेंगे यहाँ पर राम 15,000 रुपए। तो 15,000 रुपए टोटल हमने उससे लेने थे, तो इस प्रकार से ये एंट्री हमारी होगी। और नरेशन में हम यहाँ लिखेंगे फॉर कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम एंड बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, तो बैड डेट्स को राइट ऑफ कर दिया गया है। नेक्स्ट ऑन अप्रैल 26 अमाउंट ड्यू टू श्याम पेड बाय चेक ऑफ ₹6,800, तो 6,800 का चेक श्याम को दिया गया है। तो श्याम एक क्रेडिटर है, जैसा कि हमने ओपनिंग एंट्री में देखा कि 7,000 रुपए हमने श्याम को देने थे और उसको हमने 6,800 रुपए का चेक दिया है।
तो 6,800 रुपए का चेक हम जब देंगे तो यहाँ पर टू बैंक काउंट करेंगे हम, टू बैंक काउंट 6,800, और श्याम को हम डेबिट करेंगे, श्याम डेबिट रुपीज 7,000, और जो डिफरेंस है इन दोनों में वो डिफरेंस जो है डिस्काउंट रिसीव्ड के रूप में एक इनकम हमारी हो गई 200 रुपए की, तो इनकम को हम क्रेडिट करते हैं, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट रुपीज 200 फॉर चेक पेड टू श्याम एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, ये हम एंट्री में यहाँ पर लिखेंगे। और जो नेक्स्ट हम देखते हैं अप्रैल 27 को जो ट्रांजेक्शन है, दिनेश चंद्रा विड्रू रुपीज 2,500 फ्रॉम बैंक फॉर रिपेयरिंग हिज पर्सनल कार। तो दिनेश चंद्रा जो व्यवसाय का मालिक है, बिजनेस के बैंक अकाउंट से 2,500 रुपए निकाल लिए हैं और पर्पज उनका है पर्सनल, इनके पर्सनल कार को रिपेयर वो करवाना चाह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये 2,500 रुपए व्यवसाय से चले गए, तो इसलिए उसके ड्रॉइंग्स अकाउंट में हम इनको डेबिट करते हैं, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट क्योंकि बैंक से पैसे निकाले गए फॉर अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, इस प्रकार से ये नरेशन यहाँ पर लिखी जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब बिजनेस का मालिक बिजनेस में कुछ पैसा लगाता है या कोई एसेट लेकर आता है तो हम कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, लेकिन जब बिजनेस से कुछ माल या कुछ कैश या कोई एसेट वो लेकर जाता है तो ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट किया जाता है, इसलिए यहाँ पर ड्रॉइंग्स अकाउंट इस एंट्री में हमने डेबिट किया है। और नेक्स्ट जो एंट्री हम देख रहे हैं अप्रैल 28 को, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम करीम वर्थ रुपीज 8,000 फॉर कैश एंड रुपीज 2,000 ऑन क्रेडिट। तो करीम से हमने 8,000 रुपए का नकद में माल खरीदा है और 2,000 रुपए का माल उधार में खरीदा है, तो ऐसी स्थिति में जो एंट्री होगी यहाँ पर गुड्स हमने परचेज की हैं, इसलिए परचेज अकाउंट को डेबिट किया जाएगा 8,000 और 2,000 10,000 रुपए, तो परचेज अकाउंट डेबिट रुपीज 10,000 यहाँ पर हम लिखेंगे, और टू कैश अकाउंट क्योंकि 8,000 रुपए का माल नकद में है तो इसलिए टू कैश अकाउंट 8,000 रुपए 8,000 यहाँ पर लिखा गया है, और टू करीम 2,000 यानी 2,000 रुपए ये करीम को हमने यहाँ पर क्रेडिट कर लिया है, उसको हमने क्रेडिटर बना दिया है, ये 2,000 रुपए बाद में हम उसको देंगे। और नरेशन लिखेंगे फॉर गुड्स परचेज फ्रॉम करीम फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट। ठीक इसी प्रकार से अप्रैल 29 को पेड फॉर रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग रुपीज 200 बाय चेक, तो बिल्डिंग की रिपेयर करवाई है और उसके लिए 200 रुपए का चेक दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में रिपेयर्स को डेबिट करेंगे क्योंकि एक खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया, तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट रुपीज 200 और टू बैंक अकाउंट क्योंकि चेक द्वारा पेमेंट की गई है तो टू बैंक अकाउंट होगा रुपीज 200 फॉर अमाउंट ऑफ रिपेयर्स टू बिल्डिंग पेड बाय चेक, तो इस प्रकार से इसकी नरेशन लिखेंगे। नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन हम देख रहे हैं 30 अप्रैल को, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज रुपीज 900, तो 900 रुपए की डेप्रिसिएशन मशीनरी के ऊपर हमने लगानी है, उसकी हमने एंट्री करनी है, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे डेप्रिसिएशन एक खर्चा है, एक एक्सपेंस है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट किया जाएगा 900 रुपए। लेकिन ये हमने ध्यान रखना है कि डेप्रिसिएशन की जो पेमेंट कभी कैश में नहीं की जाती है, बल्कि जिस भी एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाई गई है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं, क्रेडिट करने का मतलब है उस एसेट को हम कम कर देते हैं, तो टू मशीनरी अकाउंट यहां पर किया गया है 900 रुपए से, और नरेशन हमने लिख दी है फॉर डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन मशीनरी। और इस इलुस्ट्रेशन की लास्ट जो ट्रांजेक्शन है वो आप देख रहे हैं 30 अप्रैल को, कि पेड टेलीफोन चार्जेस रुपीज 250, सैलरी टू कलर्क रुपीज 1,000, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस टू सेल्समैन रुपीज 500, तीन एक्सपेंसेस यहाँ पर हुए हैं और तीनों की पेमेंट यहाँ पर कैश में हो रही है, तो आप देख रहे हैं कि तीनों जो ट्रांजेक्शंस हैं इनकी नेचर एक जैसी है, तीनों का संबंध कैश से है और कैश में पेमेंट यहाँ पर हो रही है, इसलिए तीनों की हम कंपाउंड जर्नल एंट्री कर सकते हैं, इकट्ठी हम एक ही एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एक एंट्री की गई है, टेलीफोन चार्जेज अकाउंट को डेबिट किया गया है, सैलरी अकाउंट को डेबिट किया गया 1,000 रुपए से, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट किया गया 500 रुपए से, और टू कैश अकाउंट इन तीनों का टोटल करके हमने यहाँ पर लिख दिया है 1,750 रुपए रुपीज 1,750। और नीचे लिखेंगे नरेशन में फॉर सन्ड्री एक्सपेंसिज पेड। तो ये थी हमारी सेकेंड इलुस्ट्रेशन। इस इलुस्ट्रेशन के संबंध में किसी प्रकार का कोई भी आपका डाउट है और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपके कमेंट का जवाब हम जरूर देंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इस आशा और उम्मीद के साथ कि आपने अपने आसपास सफाई का पूरा ध्यान रखा हुआ है और आज का वीडियो आपको पसंद आया है, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्र दोस्तों में इसको चर्चा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।
जय हिंद, हैव ए नाइस डे।